स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया पे। दोस्तों ये है सेट 7 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। 8 सितंबर 2019 की ये वीडियो है और ये वीडियो आप डेली सुबह 7 बजे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को टेलीग्राम में ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है। साथ ही आप www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो एके इंडिया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को डेली जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए यहाँ पर सेट चलवाई जाती है सुबह 7 बजे। साथ ही खबरी पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए क्योंकि खबरी पे डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर के आता हूँ, रेलवे के इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप खबरी पे भी फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहां पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में जो पीडीएफ है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया भी जाएगा ताकि 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही दोस्तों इस 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किए, ठीक है, और कितने क्वेश्चन गलत किए, आप वीडियो के आखिरी में कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर कार्ड को भी जरूर बता के जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर के देखिए। यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि अब अगर आप भी अगर चाहते हो घर बैठे पैसे कमाना तो आप भी कमा सकते हो। बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको घर बैठे कुछ काम करना है और उस काम के बदले आप लोग यहाँ से पैसे कमा सकते हो। यहाँ दोस्तों मैंने पेमेंट प्रूफ भी आप लोगों को दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो 24,300 का पेमेंट जो मैंने रिसीव किया था वो मैंने रिसीव किया है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही आई आइकन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन एक चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी रसायन विज्ञान के लिए, सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या डी तर्क शास्त्र के लिए। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है और इसका सही जवाब बताना है। आपको इसके लिए पूरे 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? ऑप्शन एक मुसलमान, बी मुगल, सी सिथियंस, या डी कुषाण। इसका सही जवाब क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना और इसका सही जवाब बताना है। आपको इसके लिए पूरे 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ऑप्शन एक पीटर मुंडी, बी बिशप हिबर, सी जॉन मार्शल, या डी रॉल्फ फिच। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है और आप लोगों के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आज के वीडियो को लाइक का एम है 120 लाइक, इस लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट था? ऑप्शन एक अवंती वर्मा, बी बृहद्रथ, सी नंदीवर्धन, या डी जालोक। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको इसके लिए पूरे 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे कौन थे? ऑप्शन है अश्वजंतगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है और ऑप्शन जो है काफी यहाँ पर कंफ्यूजिंग है तो आप लोग इसका सही जवाब जरूर बताना, ठीक है। आपको पूरे 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका सही जवाब बताइए।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अर्जुन गुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? अर्जुन गुप्त जो थे उन्होंने हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन एक बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बृहद्रथ या डी बिंदुसार। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन बताना है, और आपको इसके लिए पूरे 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिंदुसार, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ऑप्शन एक पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी हिंदी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन बताना है, और इसके लिए आप सभी को पूरे 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पाली, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है, ऑप्शन एक दिव्यावादन, अर्थशास्त्र, इंडिका या डी अशोक के शिलालेख। जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो कौन सा स्रोत है जहां पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा इंडिका। इंडिका वो स्रोत है जहां पर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजाशत्रु के वंश का नाम था, अजाशत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन एक हर्यंक, बी मौर्य, सी गुप्त, डी नंद। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको इसके लिए पूरे 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आपको इसके लिए पूरे 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हर्यंक। अजाशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यंक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजाशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? ऑप्शन एक अवंती, बी वज्जित वैशाली, सी कौशल या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको पूरे 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अवंती, अजाशत्रु जो है अवंती राज को पराजित नहीं कर सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन एक वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी स्पार्टा या डी एथेंस। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसके लिए आप सभी को पूरे 5 सेकेंड का भी समय दिया जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रक व्यवस्था जो थी वो वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन एक सोन नदी, बी गंगा नदी, सी कोसी नदी या डी गंडक नदी। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन बताना है, इसके लिए आप सभी को पूरे 5 सेकेंड का भी समय दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन एक जी के गोखले, बी श्री कृष्ण, डी श्री दीप नारायण सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल रहेगा आपके एग्जामों के लिए। इसके लिए आप सभी को पूरे 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन एक भागलपुर और समस्तीपुर, बी पूर्णिया और मानभूम, सी जमशेदपुर या डी राजगीर। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसके लिए आप सभी को पूरे 5 सेकेंड का भी समय
दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पूर्णिया और मानभूम। बिहार के पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके जो थे वो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे जब बिहार विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। ऑप्शन एक है राज्य संसाधन को, बी संस्कृति को, सी आर्थिक स्थिति को, या डी सामाजिक स्थिति को। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है और इसके लिए आप सभी को पूरे 5 सेकंड का भी समय दिया जा रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति थी। तो दोस्तों ये थे सेट 7 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसमें टेलीग्राम में ज्वाइन होना होगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक आपने यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा बेल आइकन भी आएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पा सके। साथ ही खबरें भी फॉलो कर लीजिए, आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर, साथ ही रेलवे के इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किया जाता है, आपके एनटीपीसी एग्जाम, साथ ही आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ के लिए। सारे सोशल मीडिया का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और चेक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार मैं फिर से रिमेंबर करा दूं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आप सभी को पेमेंट प्रूफ के साथ बताया है कि कैसे आप भी घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। साथ ही जो मैंने लाइक किया है 120 लाइक का दोस्तों, तो उस एम को भी जरूर पूरा कर दीजिएगा।